एक बार की बात है जब इटली के नौसेना का एक जहाज भारत की समुद्री रेखा में घुस आया और उसने केरल के पास मछली पकड़ रहे दो मछुआरों को गोली मार दिया, तो इस वजह से भारत की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और धारा 302 यानी मर्डर के चार्ज में जेल के अंदर डाल दिया। पर जब ये खबर इटली गवर्नमेंट के पास पहुंची तो उन्होंने इनको छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन इंडिया पुलिस उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। पर जब एक साल बीत गया और इटली में चुनाव होने वाला था तो इटली सरकार के आग्रह पर उनको 4 हफ्ते की जमानत पर छोड़ा गया। लेकिन जब 4 हफ्ते बीत गए और इंडियन गवर्नमेंट ने इटली गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट किया, तब वो लोग अपने सैनिकों को सौंपने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह इटली को लगा कि उसने कोई बड़ा तीर मार दिया अपने सैनिकों को बचाकर, लेकिन उनको क्या पता था इंडिया वालों का दिमाग तो नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि अगले ही दिन इंडियन गवर्नमेंट ने इटली के राजदूत को ही उसके ऑफिस में कैद कर दिया और कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पर जब अपने कैद होने के बाद इटली के राजदूत ने इटली गवर्नमेंट को बताई तो यह मामला यूएन क्लॉज में चला गया, जो कि एक प्रकार का इंटरनेशनल कोर्ट होता है। इस प्रकार वहां कोर्ट ने इटली को यह आदेश दिया कि इटली 10 करोड़ रुपए इंडिया को देगा, जिसमें से 4 करोड़ रुपए उन दोनों मछुआरों के परिजनों को और 2 करोड़ रुपए जिसकी वह जहाज थे जिसमें मछुआरे मछली पकड़ने गए थे उनको दिया गया। और ये 2012 की